ऑफ शोल्डर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना सीखेंगे। मेजरमेंट इस प्रकार है, फुल लेंथ 17 इंच, अक्रॉस बैक 14 इंच, चेस्ट 36 इंच, वेस्ट 28 इंच। ये हमारा ऑफ शोल्डर ब्लाउज के लिए नाप है। सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे। लेंथ निकालने का जो फॉर्मेट है वो हमारा है फुल लेंथ प्लस सीम अलाउंस प्लस टर्निंग, जितनी भी हम टर्निंग करते हैं। फुल लेंथ हमारी है 17 इंच, सीम अलाउंस हाफ इंच प्लस टर्निंग हम रखेंगे 1.5 डेढ़ इंच। टोटल हमारा 17 प्लस हाफ प्लस 1.5 टोटल हुआ 19 इंच। जब हम कपड़े पे कटिंग करेंगे लेंथ हम इसी फॉर्मेट के हिसाब से लेंगे। हमारी जो लेंथ है 17 इंच है। ड्राफ्टिंग करने के लिए हम यहां पर फुल लेंथ ले लेंगे। सबसे पहले ये हमारी फुल लेंथ है ब्लाउज की। सेवनटीन इंच फुल लेंथ यहां से यहां तक। उसके बाद हम तीरा लेंगे। अक्रॉस बैक 14 इंच है हमारा। तीरा लेने का जो फॉर्मेट है अक्रॉस बैक का हाफ करेंगे 7 इंच। लेंथ लाइन से अंदर आएंगे 7 इंच, यहां से यहां तक 7 इंच हम अंदर आएंगे और ये रेखा खींच लेंगे। आर्म होल निकालने का जो फॉर्मेट है हमारा, आर्म होल अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच। अक्रॉस बैक हमारा 14 इंच है, 14 इंच का हाफ किया तो 7 इंच, 7 इंच में प्लस किया हाफ 7.5 यानी साढ़े सात इंच हमारा आर्म होल निकल करके आया। यहां पर हम ये आर्म होल का निशान लगाएंगे। उसके बाद चेस्ट लाइन निकालेंगे। चेस्ट हमारी 36 है। चेस्ट निकालने के लिए चेस्ट डिवाइड बाय 4, चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 डेढ़ इंच। 36 को 4 से डिवाइड किया 9 इंच प्लस 1.5 इजिकल टू 10.5 साढ़े 10 इंच। चेस्ट लाइन हमारी निकल करके आई 10 इंच। जो हमारी लेंथ लाइन है यहां से हम अंदर आएंगे और ये निशान लगाएंगे चेस्ट लाइन के लिए 10 इंच पर। ये निशान लगाया यहां से यहां तक हमारा चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 1.5 यानी डेढ़ इंच इजिकल टू 10.5 साढ़े 10 इंच। यहां से यहां तक हमारा साढ़े 10 इंच है। उसके बाद वेस्ट लाइन निकालेंगे। वेस्ट लाइन निकालने के लिए हमारी वेस्ट 28 है। वेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस 3 इंच। 3 इंच हम इसमें डॉट का ऐड करके चलते हैं डेढ़ इंच। डेढ़ इंच हमने इसमें ऐड करना है डॉट के लिए और डेढ़ इंच हमने करना है दबाव लूजनेस के लिए। तो टोटल हुआ हमारा 10 इंच। कमर निकल करके आई हमारी 10 इंच। यहां पर हम 10 इंच पर ये निशान लगाएंगे। ये हमारी यहां पर 10 इंच है। यहां से यहां तक 10 इंच। इस लाइन को चेस्ट लाइन से
मिला देंगे इस प्रकार। ये हमारा फ्रंट ड्राफ्ट बना। बैक बनाएंगे इसी प्रकार, बैक का लेंगे लेंथ लेंगे, तीरा लेंगे। सबसे पहले हम लेंथ लेंगे, लेंथ हमारी फ्रंट में जितनी हमने फुल लेंथ ली उतनी ही हम बैक में भी लेंगे इस प्रकार। तीरा लेंगे अक्रॉस बैक का, हाफ करेंगे अक्रॉस बैक का हाफ इज इक्वल टू 7 इंच हमारा यहां से यहां तक आर्म होल, अक्रॉस बैक का हाफ प्लस हाफ इंच ये आर्म होल की रेखा खींची। चेस्ट लाइन के लिए जितना हमने फ्रंट में जिस मेथड के हिसाब से लिया 10.5 आया था, 10.5 हमने यहां पर इसको मिला देना है। चेस्ट डिवाइड बाय 4 प्लस हाफ इज इक्वल टू 10.5। इसी प्रकार कमर का हम निशान लगाएंगे। कमर हमारी 10 इंच थी, 10 इंच ही हम बैक में लेंगे क्योंकि डॉट हमारी फ्रंट और बैक दोनों में ही डलेगी। तो ये 10 इंच पर हमने यहां पर निशान लगाया। ये यहां से यहां तक हमारी 10 इंच है। चेस्ट लाइन को वेस्ट लाइन से हम इस प्रकार मिला देंगे। ये मिला दिया हमने यहां पर। ये हमारी बैक के लिए है फुल लेंथ। एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, आप अगर फ्रंट में ओपन रखना चाहते हैं तो फ्रंट में रख सकते हैं, बैक में रखना चाहते हैं तो बैक में रख सकते हैं, अपनी इच्छा अनुसार हम इसमें रख सकते हैं। ये हमारा बैक तैयार है। अब उसके बाद हम नेक की लेंथ लेंगे। ऑफ शोल्डर में ये ध्यान देना है कि हमें यहां पर तीरा डाउन नहीं करना है, विड्थ नहीं निकालनी है। सबसे पहले हम नेक लेंथ लेंगे। नेक लेंथ हम डिपेंड करता है कि हम कितनी लेना चाहते हैं, और फॉर्मेट के हिसाब से अगर लेना चाहे तो चेस्ट डिवाइड बाई 6 माइनस 1। 36 को 6 से डिवाइड किया, -1 इज इक्वल टू 5 इंच। और एक चीज और ध्यान देनी है ये नेक लेंथ के लिए कि जैसे जैसे हमारी चेस्ट बढ़ती जाती है तो हमारा 6 इंच भी उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा। उस कंडीशन में हम अपना ध्यान देंगे कि हमें कितना लेंथ पहनना है। 5 इंच ऑफ शोल्डर में बिल्कुल परफेक्ट लेंथ होती है। तो यहां पर हम नीचे आएंगे 5 इंच पर। जितना हम यहां पर आए तीरे की तरफ आर्म होल की तरफ जो हम डाउन आते हैं वहां पर इसका हाफ करेंगे, 5 का हाफ किया 2.5 इंच। 2.5 इंच पर हमने यहां पर एक मार्क लगाया, 5 इंच पर यहां पर लगाया, 2.5 इंच पर यहां पर लगाया और इसको इससे मिला देंगे इस प्रकार। यहां पे ध्यान देना है कि आप यहां पर सीधा भी मिला सकते हैं, बाद में गोलाई कर सकते हैं या फिर सीधा गोलाई कर सकते हैं। ये हमने यहां पर मिला दिया। ये मिलाने के बाद 2.5 इंच इस रेखा को आगे लेके जाएंगे। 2.5 इंच हम नीचे आए, 2.5 इंच हम आगे जाएंगे। ये हम 2.5 इंच आगे गए इस रेखा से, हमने इसको मिलाया। ये मिलाने के बाद इस रेखा को यहां से उठाते हुए हम इसकी जितनी गहराई देना चाहें हम इस प्रकार से ये गहराई दे देंगे, हल्की सी सेव कर देंगे नेक पॉइंट की। ये 2.5 इंच हम आगे गए, 2.5 इंच ही हम नीचे आएंगे। यहां पर 2.5 इंच नीचे आपके निशान लगाएंगे। ये ध्यान रखना है हमने जितनी हमारी यहां पे लेंथ है इसका हाफ हमने यहां पर लिया 2.5 इंच। 2.5 इंच ही हम नीचे एक और निशान लगाएंगे। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। ये जो हमारी रेखा है इस रेखा से 2.5 इंच हम नीचे आएंगे और ये वाली जो नीचे की रेखा है 3 इंच आगे जाएंगे। ये यहां से 3 इंच आगे जाएंगे, ऊपर से 2.5 इंच नीचे आएंगे। ये हमने यहां पर 2.5 इंच नीचे आना है और 3 इंच आगे जाना है।
ये जो विड्थ है हमारी, इस विड्थ को डिपेंड करता है हमारे अपनी चॉइस पर, आर्मोल पर। हम 3 इंच भी कर सकते हैं, 2.5 इंच भी कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर ध्यान देना, ये 2.5 इंच आगे आए थे, 2.5 इंच ही हमने ये डाउन लिया यहां से यहां तक, और ये यहां से यहां तक हमारी 3 इंच। ये जो मार्जिन हमारा बचा, इसकी हम आर मोल की सेप करेंगे इस प्रकार। ये करने के बाद यहां पर डॉट डालेंगे। डॉट डालने के लिए हम जो डॉट की लेंथ निकालेंगे, चेस्ट डिवाइड बाय फोर प्लस 1 इंच इज इक्वल टू 10 इंच। 3.5 अंदर की तरफ जाएंगे, नीचे आएंगे हम 10 इंच पर। यहां से अंदर की तरफ जाएंगे हम, ये जो हमारी लाइन है यहां से 3.5 पर जाएंगे हम, 3.5 पर यहां से अंदर की तरफ लेंथ लेंगे। यहां से ऊपर से हम पॉइंट हमने लिया, यहां पे हमारा 10 इंच पर ये पॉइंट आया, इससे 1.5 इंच 1 इंच 1.25 इंच डिपेंड है हमारा डाउन आना है, जितना भी हमें आना है 1.5 इंच तक हम डाउन आ सकते हैं इसमें। ये 1.5 इंच डाउन आना है और इसको, इस डॉट की लाइन को इस प्रकार मिला देना है। 10 इंच नीचे आना है, 3.5 अंदर जाना है, ये पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट से 1.5 इंच नीचे आना है। 1.5 इंच नीचे आकर के सीधी रेखा खींच देनी है, इस रेखा की चौड़ाई हमारी 3.5 इंच है, 3.5 इंच हमें अंदर की तरफ आना है और ये रेखा खींच देनी है। डॉट के लिए हमें यहाँ पे हमने 1.5 इंच ऐड किया था, तो 0.25 इंच की जो है हम यहाँ पर डॉट डाल देंगे ये, और इसको मिला देंगे जो हमारे डॉट लेंथ है, इससे इसको इस प्रकार मिलाएंगे। ये हमने डॉट मिला दी, यहां पर हमने 1.5 इंच 2 इंच ऐड करते तो एक की डालते, ये हमने यहां पर 0.25 इंच की डॉट डालते। ये डालने के बाद ये जो हमारी लाइन है, ये वाली 3 इंच आगे की तरफ गए थे, इस वाली लाइन को इससे हमें शेप देते हुए मिलाना है। यहां पे हम इसको इस प्रकार उठाएंगे, जिस प्रकार हम प्रिंसेस कट ब्लाउज वगैरह में शेप देते हैं, सेम उसी प्रकार हमें यहाँ पर इस डॉट से लाके शेप देनी है। बस फर्क इतना है कि उसको हम यहाँ पर आर्मोल का सेंटर करते हैं, ये हमारी जहां पर हमने 3 इंच से आगे की तरफ गए इससे मिलाना है, ये इसको इस प्रकार हमें मिलाना है। इसी तरीके से हम बैक में भी करेंगे, बैक में भी हम 5 इंच डाउन आएंगे जैसे फ्रंट में आए थे। यहां पर हम 5 इंच का नेक लेंगे, पांच इंच डाउन आना है और यहां पर निशान लगा देना है, ये यहां से यहां तक ये हमने नेक के लिए लेंथ ली। यहां पर 2.5 इंच नीचे आके निशान लगाना है, 2.5 इंच ही आगे जाना, हम इसमें भी 2.5 गए थे इसमें भी 2.5 जाएंगे, और ये हमने यहां पर निशान लगा देना है इस प्रकार, और इसको स्ट्रेट मिला देंगे जैसे हमने फ्रंट को मिलाया उसी प्रकार हम इसको इस प्रकार उठाते हुए मिला देंगे। उसके बाद हल्की सी हम इसकी सेप कर देंगे जैसे हमने फ्रंट में की है, सेप जितनी गहरी हम देना चाहे इसको इससे मिला देंगे। ये मिलाने के बाद 2.5 इंच फिर डाउन आएंगे, ये हम 2.5 इंच आए और ये निशान लगा दिया, ये निशान लगा दिया, ये वाला जो निशान है हम 3 इंच जैसे फ्रंट में 3 इंच आ गया है, 3 इंच हम यहां पर आए और ये 2.5 इंच डाउन आए और इसको इससे मिला देना है। ये वाली जो हमारी लंबाई और चौड़ाई है हम कम ज्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितनी भी पट्टी हम रखना चाहते हैं, 3 इंच की पट्टी रखना चाहते हैं या 2.5 इंच की, 2 इंच की, जितनी भी हम अपने शोल्डर पे पट्टी रखना चाहते हैं उतनी ही हम यहां पर करेंगे। ये हमारा 2.5 इंच,
यहां से 2.5 यानी 2.5 इंच। ये अब हम यहां पर डॉट डालेंगे, जैसे हमने फ्रंट में डाली थी उसी प्रकार से हम यहां पर डॉट डालेंगे। 3.5 ही अंदर आएंगे और निशान लगा देंगे, जितनी हमारे डॉट की ये लेंथ है उतनी ही हम यहां लेंथ ले लेंगे और इस लेंथ को यहां पे इससे मिला देंगे। ये हमारी डॉट लेंथ है। 1.5 इंच डॉट के लिए लिया था तो 0.25 इंच की हम यहां पर डॉट शो करेंगे। ये यहां पर हमने 1.5 इंच की डॉट शो करनी है, 1.5 की ही फ्रंट में और 1.5 की ही हमारी बैक में। ये हमारे डॉट का निशान हुआ। उसी प्रकार जैसे हमने इसकी शेप दी थी, इसी जो ये 3 इंच आगे गए हैं, इस 3 इंच के पॉइंट को उठाना है और इसकी शेप करनी है हमें, जैसे हमने फ्रंट की थी उसी प्रकार शेप देंगे हम इसके। ये यहां से इसको हल्का हल्का उठाएंगे और जैसे प्रिंसेस कट में हम करते हैं उसी प्रकार, प्रिंसेस कट में तो हमारा फ्रंट फ्रंट में होता है लेकिन ऑफ शोल्डर में बैक और फ्रंट दोनों में ही हमारा शेप होती है। आर्म होल की भी शेप हमारे जैसे फ्रंट में हमने किया है उसी प्रकार हमारी आर्म होल की शेप हम ये कर देंगे इस प्रकार। ये करने के बाद हमें ये देखना है कि हमारा फ्रंट भी ओपनिंग कर सकते हैं और हम बैक भी। अगर हम बैक को ओपन रखेंगे तो ये हमारी ओपन साइड हो जाएगी, फ्रंट को रखेंगे तो फ्रंट ओपन साइड हो जाएगी। ऑफ शोल्डर ब्लाउज में हम बैक या फ्रंट किसी भी साइड ओपनिंग इसकी रख सकते हैं। ये हमारी ऑफ शोल्डर ब्लाउज की ड्राफ्टिंग बनकर कंप्लीट हुई।